फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में कहा कि नरेशन पार्ट 4 पे वीडियो बनाएं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इंपरेटिव वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि आज का ये लेसन पिछले पार्ट पर डिपेंड है। तो अगर वो पार्ट आप नहीं देखे हैं तो बेहतर होगा कि पहले आप वो पार्ट देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तब आपको ये बात अच्छा से समझ में आने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि इंपरेटिव वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो रूल्स बता दूं। इंपरेटिव वाले सेंटेंसेस से ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का सेंस होता है। इसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको ये रूल याद रखने होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या एडवाइस में बदल दें। दूसरी बात, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जरूर लिखें। तीसरी बात, अगर आपके सेंटेंसेज में प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड हों तो आप उसे छोड़ दें या आप उसे इग्नोर कर दें। चौथी बात, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू का यूज करें। लेकिन अगर आपके सेंटेंसेज नेगेटिव हों यानी नकारात्मक हों तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर नॉट टू का यूज करें और डोंट की जगह पर कुछ न लिखें या डोंट को इग्नोर कर दें। तो ये रही फ्रेंड्स कुछ रूल्स। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके दिमाग में रहेगी। आइए फिर आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो ही सेड टेक मेडिसिन इन टाइम, तो आइए देखें कि इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। आप लिखिए ही एडवाइज्ड। नॉर्मली बातों से पता चल रहा है कि कोई आपको सलाह दे रहा है कि आप ऐसा करो, और ये जो दवा खाने वाली बात होती है अक्सर सलाह ही होती है। फ्रेंड्स, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन आप ऑब्जेक्ट लिखें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप टू लिखें। यहाँ पर लिखा हुआ टेक, आप लिखें टेक मेडिसिन, उसके बाद यहाँ लिखा है इन टाइम, आप लिखें इन टाइम। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी था आपने उसे हूबहू कॉपी कर लिया। बस आपको यहाँ पर यही बात याद रखनी होती है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पर्सन तो नहीं आए हैं। अगर कोई पर्सन आए हो तो उन्हें चेंज करना पड़ेगा। आगे की एग्जाम्पल में मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जहां पर्सन आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज करना है। फिलहाल ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो चुकी है। कैसे चेंज हुआ? मैंने सेट की जगह पर लिखा एडवाइज्ड, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज, वार्न, कमांड, इन सब चीजों में बदल दें। जैसा भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंस हो उसके अकॉर्डिंग ऐसे वर्ड्स में चेंज कर दें। इस सेंटेंस से एडवाइज का पता चला, इसलिए मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, क्योंकि हम ये बात अच्छा से जानते हैं कि इंपेरेटिव वाले सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहता तो हम ऑब्जेक्ट लिखते, अगर नहीं है तो भी हमें लिखना होगा। तीसरा चेंजिंग, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर मैंने लिखा टू, उसके बाद सभी बातें नॉर्मल थी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आई। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ सी सेड काइंडली हेल्प मी, आइए देखें कि इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इसको चेंज कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ आपको समझा दूं कि ये कैसे चेंज हुई है। सी की जगह पर लिखा गया सी, यानी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन सेट की जगह पर रिक्वेस्टेड की गई है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज की गई है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा, ये भी चेंजिंग हुई है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर मैंने टू लिखा हुआ है, एक ये चेंजिंग है। उसके बाद मैंने यहाँ काइंडली लिखा है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर इस तरह के सेंटेंसेज में प्लीज या काइंडली वर्ड हो और आप उसे अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखेंगे तो आपके सेंटेंसेज रॉन्ग हो जाएंगे। यानी प्लीज और काइंडली वर्ड को इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना है। मैंने आपको यहाँ लिख कर दिखाया ताकि आप वैसी गलती न करें। तो वर्ड काइंडली के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हेल्प की जगह मैंने लिखा हेल्प, उसके बाद आया एक पर्सन मी, और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हम लिख देंगे हर। तो फ्रेंड्स, ये चेंज होकर ऐसे हुआ, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आई कि अगर डायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली लिखा हो तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, उसके बाद जो नॉर्मल तरीका है उसी तरीके से आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेंगे।
आइए फ्रेंड्स इसे इनडायरेक्ट में चेंज करें। फ्रेंड्स यहां आप कम के पहले डू देख सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जहां किसी वर्ब के पहले डू आती है इम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाती हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में डू मीन्स करना नहीं होती है बल्कि डू का यूज इस सेंटेंस को और भी असरदार या इम्फेटिक करने के लिए होती है और यहाँ डू का मीनिंग अवश्य या जरूर होती है। मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है जहाँ मैंने बताया है कि डू का स्पेशल यूज क्या है। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जो इम्फेटिक इम्पेरेटिव होती है इनका इनडायरेक्ट करना बेहद आसान है। कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें। आप लिखेंगे ही ऑर्डर्ड या ही रिक्वेस्टेड। उसके बाद आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना होगा। जैसा कि आपको पता है ऑब्जेक्ट हो ना हो आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिखें टू और ये डू को आप इग्नोर कर दें या डू को छोड़ दें। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डू को चेंज नहीं करेंगे यानी डू को हम इग्नोर कर देंगे छोड़ देंगे। कम के लिए लिखिए कम और ये है टुमारो तो इसके जगह पर आप लिखेंगे द नेक्स्ट डे। अब आप सोचेंगे यहाँ द नेक्स्ट डे क्यों, तो यह बात मैंने आपको नरेशन सेकेंड पार्ट में बताया और उम्मीद है कि आप वो पार्ट देख चुके हैं और ये बात आपको पता है। तो फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट में चेंज हो चुकी है, आइए अब इसे चेंज कर लें। लिखा हुआ ही सेड तो आप लिखिए ही ऑर्डर्ड। उसके बाद आप यहाँ ऑब्जेक्ट दें, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिखेंगे नॉट टू। अब आप सोचेंगे नॉट टू क्यों, तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स जब रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव रहे यानी नकारात्मक हो तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप नॉट टू का यूज करें। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप नॉट टू लिखें। उसके बाद वर्ड डोंट के लिए कुछ ना लिखें, बीट के लिए लिखिए बीट और हिम के लिए लिखिए हिम। और ये इनडायरेक्ट में चेंज हो चुकी है। ही सेड डोंट बीट हिम, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू बीट हिम। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये कांसेप्ट समझ में आया। अगर वो इम्फेटिक इम्पेरेटिव हो तो आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे यानी आप डू को इग्नोर कर देंगे। बाय द वे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो यानी डोंट से शुरू हो तो आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे, सारा प्रोसेस वही रहेगा। बस जब आपके सेंटेंस नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू के बजाय नॉट टू लिखें। बाय द वे फ्रेंड्स अगर यहाँ पे डोंट नहीं लिखा रहता तो सेंटेंस ऐसे होते ही सेड बीट हिम तो आप लिखते ही ऑर्डर्ड मी टू बीट हिम यानी ये नॉट नहीं रहता। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। फ्रेंड्स लिखा हुआ है ही सेड डोंट टॉक इन द क्लास तो आप इसका इनडायरेक्ट ऐसे चेंज करें, ही सेड की जगह पर लिखे ही ऑर्डर्ड। उसके बाद आप अपने तरफ से एक ऑब्जेक्ट दें अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो तो, क्योंकि जब हम इम्पेरेटिव वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट हो ना हो हमें ऑब्जेक्ट देनी होती है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू लिखी जाती है बट अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो यानी डोंट से शुरू हो तो आप नॉट टू लिखें। उसके बाद टॉक के लिए लिखिए टॉक इन द क्लास और ये इनडायरेक्ट में चेंज हो चुकी है। ही सेड डोंट टॉक इन द क्लास तो इसका इनडायरेक्ट हुआ ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू टॉक इन द क्लास। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बड़े आसानी से आप इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डोंट रहे तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे, लेकिन आइए यहाँ एक खास बात आपको बता दें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल तरीके से चेंज करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक खास बात बताऊंगा। ही सेड की जगह पर आप लिखें ही वॉर्न्ड। आप सोचेंगे वॉर्न क्यों, तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर ये पता चल रहा है कि कोई किसी को वॉर्न कर रहा है कि ऐसा ना करो। जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है डोंट ड्राइव टू फास्ट यानी इतनी तेज ना चलाओ। तो बातों से पता चला कि कोई किसी को वॉर्न कर रहा है कि इतनी तेज ना चलाओ। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ अपने मन से ऑब्जेक्ट दे दें। अब इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिखें नॉट टू। उसके बाद ये जो मैटर लिखी हुई आप उसको हूबहू कॉपी कर लें। याद रहे कि इनमें पर्सन नहीं होने चाहिए क्योंकि पर्सन होंगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपने एक तरीका सीखा कि डोंट वाले डायरेक्ट स्पीच को ऐसे चेंज करना है। इसे एक और तरीके से फ्रेंड्स आप चेंज कर सकते हैं और वो ये है कि आप सिड को फॉरबिड में बदल दें और फॉरबिड का पास्ट फॉर्म होती है फॉरबिड
और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको नॉट नहीं लिखना होगा। जैसे आप लिखे ही और वॉन्ट की जगह पर आप लिखे फॉरबिड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे मी, फिर आप नॉट न लिखें, उसके बाद आप लिखे टू ड्राइव टू फास्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप फॉरबिड का यूज करेंगे तो आपको नॉट से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि फॉरबिड खुद एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मना किया। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को आप दोनों तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब ये बात आप पर डिपेंड करती है कि कौन सा तरीका आपको आसानी से समझ में आ रही है। आप चाहें तो नॉट टू का यूज करके चेंज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल दें, उसके बाद नॉट का यूज ना करें। फ्रेंड्स, मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि लिट वाले सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।